इस सभागार में जो हमारी पूरी टीम ने जेजेएन ट्री प्लानेट चैलेंज अभियान चला रखा है, उसके तहत हमारे बीडीओ साहब, हमारे सीडीपीओ इंदिरा सुराजी, हमारे बीसीएमओ गोपी जी जाखड़ और वाटर शेड से एन साहब शर्मा जी और अन्य जो भी हमारे विभाग हैं, एजुकेशन विभाग से जयसिंह जी गुलेरी, सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग ली गई। उस मीटिंग में तय किया गया कि प्रत्येक विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, जिसके तहत बीडीओ साहब ने लगभग 25,000 पेड़ पंचायत समिति के अधीन जो क्षेत्र आता है उसमें लगाने की, और जो एजुकेशन से हैं जयसिंह जी, उन्होंने पूरे विद्यालयों में 10,000 पेड़ लगाने की। सीडीपीओ जो इंदिरा सुराजी हैं, 227 आपको पता है कि आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें लगभग, क्योंकि आधी जगह बाउंड्रियाँ नहीं बनी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से लगभग 5,000 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी ली है। और स्कूलों में जयसिंह जी ने 10,000 पेड़ लगाने की, और बीसीएमओ साहब डॉक्टर गोपी जाखड़ ने हमारे यहाँ लगभग 129-130 उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हैं, उनमें लगभग 5,000 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी ली है। वाटर शेड में लगभग जैसे 400 हमारे यहाँ वो बने हुए हैं कुंड, उन पे 20-20 पेड़ के हिसाब से प्रत्येक लाभार्थी को 8,000 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही आज ग्राम विकास अधिकारियों की भी मीटिंग ली गई, उसमें भी सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि 46 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें इन सभी विभागों को तो साथ रखना ही रखना है, और प्रत्येक पंचायत स्तर पे 2,000 पेड़ इन सभी विभागों को लगा के, जो भी सार्वजनिक सरकारी कार्यालय हैं, शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, खेल ग्राउंड है, इन सब को मिला के, नवयुग मंडल को मिला के, पंच सरपंच सब कुछ, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, भामाशाहों और पर्यावरण प्रेमियों को, एनजीओ वालों को, सबको मिला के अपने अपने पंचायत स्तर पे 2,000 पेड़ लगाने के लिए अभी से इस मुहिम की शुरुआत करनी है, क्योंकि गर्मी का जून का महीना है, इसमें अभी गड्ढे खोदने हैं और बीजारोपण के लिए पेड़ों के नीचे से, जैसे नीम है, शीशम है, अल्डू है, आपका रोयड़ा है, इन सब के बीज भी अभी हमें इकट्ठे करने हैं, तो इनको पॉलीथीन भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें इन बीजों को डाल के पौध तैयार की जाएगी, और पौधे वितरण का काम भी पंचायत समिति स्तर पे सभी को पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस तरीके से टारगेट करके हमारा सबका, सभी विभागों का, सभी युवा शक्ति का एक ही लक्ष्य है कि कम से कम 1,00,000 से ऊपर पेड़ हमारे नवगढ़ ब्लॉक में पंचायत समिति स्तर पे लगने चाहिए। इसके अलावा दोनों नगर पालिका क्षेत्र हैं उनमें अलग लगेंगे, तो 1,00,000 पेड़ कम से कम हमारी पूरी विधानसभा को, हमारा लक्ष्य ये है कि ऊपर लगे, उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आज निर्देशित किया गया सबको अपना अपना प्लान बनाने के लिए, जितने जितने पौधों की आवश्यकता है, शुक्रवार तक का समय दिया गया है, शुक्रवार को दोबारा इन सभी के साथ मीटिंग होगी और वो अपना अपना प्लान बना के जितने पेड़ पौधों की आवश्यकता है वो हमें नोट कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पौधारोपण का और इनका वितरण का कार्यक्रम शुरू करेंगे, ताकि जुलाई और अगस्त के महीने में बरसात के दरमियान हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकें।